अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ये नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है, देख चुकी है। चाइना, जिसके राष्ट्रपति कल तक अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दे रहे थे, उस चाइना की हेगड़ी देखी 24 घंटे के अंदर कैसे तेवर उसके कम पड़ गए, कैसे कमजोर पड़ गए, कि चाइना के जो भारत में राजदूत हैं उनको आज कहना पड़ गया कि भैया तनाव काहे का, हम बातचीत से मुद्दे सुलझा सकते हैं। तो चीन के हृदय में ये परिवर्तन कैसे आ गया, चीन की हेगड़ी कैसे धरी की धरी रह गई, इस पर आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। लेकिन जरा पाकिस्तान की भी सुन लीजिए। पाकिस्तान चीन को उकसा भी रहा है, नेपाल को भी उकसा रहा है कि लद्दाख में जो हो रहा है चीन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जो चाइना के साथ भारत के संबंध इस समय तनावपूर्ण चल रहे हैं उसमें देखते हुए, उसको देखते हुए पाकिस्तान को ये डर भी है कि कहीं इन दोनों के बीच कोई तनाव ज़्यादा बढ़ता है तो उसका असर हम पे ना पड़ जाए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिलसिलेवार ट्वीट पे ट्वीट आज किए जा रहे थे और उनके हर ट्वीट में उनका डर, उनका भय झलक रहा था। वो क्या ट्वीट कर रहे थे आपको बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां उसके पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के सदाबहार सहयोगी चीन का पक्ष लेने का भी प्रयास किया। इमरान खान ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, नाजी विचारधारा की तरह भारत सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश, सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए और झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों में हाल में चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ा है। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन के संबंध सदाबहार हैं और आपसी हितों के मुद्दों पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इमरान खान ने आगे आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया और इसे युद्ध अपराध बताया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटे जाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान लगातार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने की कोशिश में जुटा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करना उसका आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान को हकीकत स्वीकार करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार बंद करने की भी सलाह दी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत की सरकार न केवल देश के अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। यही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया कि अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की आक्रामक नीति से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। देखा जाए तो भारत के खिलाफ नेपाल को समर्थन देने के बाद पाकिस्तान अब लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव पर खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान का यह रुख चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान का इस तरह कूदना शायद पहली बार हो रहा है। उधर चीन की हेगड़ी भी कमजोर पड़ती जा रही है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने बुधवार को कहा कि चीन और भारत को अपने मतभेदों का असर कभी भी समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने देना चाहिए और आपसी विश्वास को बढ़ाया जाना चाहिए। चीनी राजदूत का यह बयान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी के दौरान आया है। सैन्य गतिरोध का जिक्र किए बगैर वेडोंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाने चाहिए और इस बात का पालन करें कि उन्हें एक दूसरे से खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, हमें अपने मतभेदों को सही ढंग से देखना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग पर इन मतभेदों का असर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके साथ ही हमें बातचीत के माध्यम से इन मतभेदों का हल करना चाहिए। उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सत्र में कहा, हमें मूल निर्णय का पालन करना चाहिए कि चीन और भारत के पास एक दूसरे के लिए अवसर है और एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है। हमें एक दूसरे के विकास को सही तरीके से देखने और रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। चाइना एंड इंडिया आर नाउ फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द COVID-19 एंड वी आर आल्सो फेसिंग इंपॉर्टेंट टास्क to consolidate and strengthen our bilateral relations. So I hope that the youth of our two countries could realize
the importance of developing China-India relations and deepen your understanding of the important consensus reached by our two leaders. We should adhere to the basic judgment that China and India are each other's opportunities and pose no threat to each other. We need to see each other's development in a correct way and enhance strategic mutual trust. And we should correctly view our differences and never let the differences shadow the overall situation of bilateral cooperation. And at the same time, we should gradually seek understanding through communication and constantly solve differences. गौरतलब है कि पेंगोंग सो गलवान घाटी डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं। गत 5 और 6 मई को पेंगोंग त्सो में दोनों सेनाओं के बीच तनातनी के बाद इन क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी सिक्किम और उत्तराखंड के कई अन्य विवादित क्षेत्रों में दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। वेडोंग ने कहा चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी होना चाहिए और अच्छे सहयोगियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। राजदूत ने कहा कि दो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत का निवेश उत्पादन क्षमता और अन्य क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करना चाहिए और सामान्य हितों का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा चीन खुद को और भारत को भी विकसित करने की उम्मीद करता है। दोनों देशों को अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब बिगड़ी जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच 5 मई को हिंसक झड़प हुई। स्थानीय कमांडरों के स्तर पर बैठक के बाद दोनों पक्ष अलग हुए। इसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी इस तरह की घटना हुई थी। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर भारत ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी भरा रुख अपनाया है, लेकिन चीनी सेना उसके सैनिकों को सामान्य गश्त के दौरान बाधा डाल रही है। उधर नेपाल भी अब देखिए बदला बदला से कैसे नजर आ रहा है। भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में दिखाने के बाद दोनों देशों में उपजे विवाद और तनाव में अब थोड़ी नरमी आ सकती है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद नेपाल ने अपने फैसले पर एक कदम पीछे खींचते हुए नक्शे को संसद में संविधान संशोधन के लिए पेश नहीं किया। दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहा था। उसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों में रोटी बेटी का नाता होने की वजह से नेपाल के लोग भी भारत से अपने संबंधों को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। बता दें कि रिश्तों के साथ ही दोनों देशों के लोग कारोबार के लिए भी बेरोक टोक एक दूसरे के क्षेत्र में आते जाते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने पर जोर दिया। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब 8 मई को उत्तराखंड में भारत सरकार की ओर से लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया गया था। इसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उस क्षेत्र पर दावा करते हुए नया नक्शा जारी कर दिया था। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर कहा था कि चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के खिलाफ यह कदम उठाया है। तो इस तरह आपने देखा है कि किस तरीके से नेपाल जो आंखें दिखा रहा था, उसके रक्षा मंत्री कह रहे थे कि अगर युद्ध हुआ, युद्ध की नौबत आई तो हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार है, उसके कदम पीछे हट गए। चीन जो उसके राष्ट्रपति कह रहे थे कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, वो अब बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर किसी प्रकार का विश्वास करना ही बेकार है। लेकिन भारत के जो खिलाफ बोलता है, भारत के खिलाफ जो सोचता है, उसको एक बार सोच लेना चाहिए कि ये नया भारत है। इससे आप आसानी से आप उसको जो पहले वाला भारत नहीं है कि आप कोई डरा देता था, कोई धमका देता था, कोई यहाँ पर आतंक फैलाकर चला जाता था। अब अगर आतंक फैलाकर चला जाता है तो वहीं घुसकर मारता है भारत। ये ध्यान रखना होगा देश के दुश्मनों को। और खास तौर पर आज बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसको देखते हुए कहा है, बयान दिया है। एक ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर भारत और चीन चाहें
तो वो इस मुद्दे में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं मुद्दे को सुलझाने के लिए, ताकि जो बढ़ा हुआ तनाव है वो कम हो सके या खत्म हो सके। लेकिन भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि जहां द्विपक्षीय मुद्दे हैं भारत उसको द्विपक्षीय मुद्दे के आधार पर ही सुलझाएगा, उसको किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप, तीसरे व्यक्ति को, तीसरे देश को हस्तक्षेप की इजाजत भारत नहीं देता है। इस मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। इसमें चलते चलते आपको हम सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का वो बयान। वीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। चीन को लेकर उन्होंने क्या बड़ी बात कही है, आइए सुनते हैं। चीन कटघरे में खड़ा है, पूरी दुनिया कह रही है कि चीन दोषी है, पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना का फैलाने में चीन का हाथ है, पूरी दुनिया कह रही है कि चीन ने जानबूझ कर किया है और हम चीन के साथ ना उसका सामान खरीदेंगे ना वहाँ पे कुछ फैक्ट्री डालेंगे, अपनी जो हमारी कंपनियां काम कर रही हैं उनको वापस बुला लेंगे। तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अगर आपको दिक्कत होगी तो आप देश के लोगों को जहां इस चीज के कारण एक विद्रोह फैल सकता है तो आप क्या करेंगे? आप कहते हैं जी देश की संप्रभुता पर खतरा है, देश पर खतरा है, सेनाएं तैयार हैं, ताकि आपके पास और अंकुश लगाने के जरिए मिल जाएं, आप देश का ध्यान बांट दें। और चीन ने कई बार किया ऐसा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, कई बार किया है। देखिए मुझे अब भारत की सेनाओं पर पूरा विश्वास है और मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ कि भारत की सेनाएं ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहती हैं, तैयार हैं, तैयार रहेंगी।